फटाफट निपटेंगे कई मुश्किल काम। बस सीख लो ये 10 मैजिकल किचन टिप्स, किसी ने नहीं बताए होंगे ये सीक्रेट। चाहे आप वर्किंग वूमेन हो या फिर होम मेकर, किचन एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं का सबसे ज्यादा समय बीतता है। सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं बल्कि हमारी रसोइयों में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें निपटाने में लंबा समय बर्बाद होता है। कुछ काम करने में तो कई बार घंटे निकल जाते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें कैसे करें ये समझ भी नहीं आता। सोचिए आपके यही घंटों के मुश्किल भरे काम अगर चुटकियों में निपट जाएं तो आपका कितना फायदा होगा। बस आपको अपनाने हैं आसान से ये टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी मदद करेंगे। पहला, ब्रेड को ना होने दे बर्बाद। अक्सर ब्रेड का ऊपर का और सबसे आखिरी का मोटा ब्रेड घर में कोई नहीं खाता। अक्सर ब्रेड फेंक दिया जाता है, लेकिन आप इस ब्रेड को एक मिक्सर जार में बस एक दो बार घुमाकर चूरा बना लें। इसे ज्यादा बारीक ना पीसे। अब इस चूरे को एक पैन में धीमी आंच पर हल्का भून लें। जो ब्रेड क्रम आप बाजार से लाते हैं वही ब्रेड क्रम आपके लिए घर पर ही तैयार हो गए। इस ब्रेड क्रम को आप एयरटाइट डिब्बे में एक महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, क्या आपके फ्रिज से भी कभी कभी बदबू आती है? अब इस बदबू को कैसे हटाएं? बस एक न्यूज़पेपर को हल्का भिगोकर इसे एक मुट्ठी में क्रश कर लें और इसका गोला बनाकर इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। ये पेपर सारी बदबू सोख लेगा और सुबह से पेपर को फ्रिज से हटा दें। तीसरा, अक्सर दाल पकाने के लिए जब भी कुकर में रखते हैं वो बाहर आ ही जाती है। इस चक्कर में गैस भी पूरी गंदी हो जाती है। ऐसे में आप जब भी दाल पकाएं कुकर में हल्दी और नमक के साथ 4-5 बूंदे तेल की भी डाल दें। इसके अलावा कुकर के ढक्कन पर जहां से सीटी निकलती है वहां भी कुछ बूंदे तेल की टपका दें। आप कितनी भी सीटी लगा लें दाने बाहर नहीं निकलेंगे। चौथा, नई जैम की बोतल को खोलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में उसका सील खोलकर उसके ऊपर बेलन या किसी भारी चीज से हल्का हल्का टैप करें। इससे एयर निकल जाएगी और डिब्बा आसानी से खुल जाएगा। पांचवा, सूजी ज्यादा दिनों तक डिब्बे में रखी रह जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सूजी का पैकेट जब खोलें तो एक पैन में उसे थोड़ा भून लें। भुनी हुई सूजी में कीड़े नहीं लगेंगे। इसके अलावा जब भी आप कोई चीज बनाएंगे तो उस समय सूजी भूननी भी नहीं पड़ेगी, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। छठा, पुदीना और धनिया की पत्तियां किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में से एक है। सब्जियां लेते समय फ्री में धनिया और पुदीना मांगने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ये आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देती है, लेकिन दुख की बात है कि ज्यादा समय तक तरोताजा नहीं रहते। इन्हें ताजा करने के लिए आप इन्हें एयरटाइट कांच के कंटेनर में रख सकते हैं और कंटेनर को फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ये अधिक समय तक तरोताजा रहेंगे। सातवां, यह निश्चित रूप से घरों में काफी काम आने वाला हैक है। छिलके को ढीला करने के लिए अपने चाकू के किनारे से लहसुन की अलग अलग कलियों को तोड़ने के बजाय या उन्हें अपने नाखूनों से निकालने की असफल कोशिश करने के बजाय आपको बस एक ढक्कन वाला जार या दो छोटे कटोरे एक साथ चाहिए। लहसुन की कलियां उसमें डालें और जोर से हिलाएं। आप देखेंगे कि ये छिलके अपने आप लहसुन से हट चुके होंगे। इससे आपके नाखूनों में लंबे समय तक इसकी महक भी नहीं रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। आठवां, ब्लेंडर सभी घरों में रोजमर्रा के उपयोग में होने वाला उपकरण है। चाहे वह कोई मसाला हो, बैटर हो या कोई अन्य व्यंजन हो, ब्लेंडर काम में आता है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, इसका आपके ब्लेंडर पर कोई असर ना पड़े। बहुत अधिक उपयोग से इसके ब्लेड कुंद हो जाते हैं, फिर आपके लिए अपने खाना पकाने के सामान को ब्लेंड करने का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इससे खाना पकाने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा। आप सेंधा नमक का उपयोग करके अपने ब्लेंडर के ब्लेड को तेज कर रख सकते हैं। अपने ब्लेंडर में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर चलाएं। इसे बीच बीच में एक या दो बार ब्लेंड करें। नवा, हम सब्जियों और फलों को साफ रखने के लिए कई सावधानियां बरतते हैं। उन्हें बार बार धोते और साफ करते हैं। इस हैक से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी सब्जियां किसी भी गंदगी और कीटनाशकों से मुक्त रहेंगी। पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं और अपनी सब्जियों को उसमें भिगो दें। इससे आपकी सब्जियों से हर तरह की गंदगी और कीटनाशक हट जाएंगे। अगर आप अपने भोजन को रसायनों से मुक्त रखना चाहते हैं तो इसे ढक्कन वाले कांच के कंटेनर में रखें, प्लास्टिक के बजाय।
कांच आपके भोजन में कोई हानिकारक रसायन नहीं छोड़ता है। दसवां, नींबू एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप नियमित रूप से किचन में करते हैं। कई बार फ्रिज में निकालने के तुरंत बाद उनमें से रस निकालना काफी मुश्किल लगता है। काफी मेहनत के बाद भी उतना रस नहीं निकल पाता है, इसलिए एक छोटी सी तरकीब है जिसे आप आजमा सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। नींबू को फ्रिज से निकालने के बाद आप इसे 10 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर ले। इससे आपको मेहनत कम लगेगी और नींबू का रस निचोड़ने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली हो, ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।